नमस्कार, मैं मृगेंद्र मिश्रा आज फिर आपके सामने कुछ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। हम लोगों ने बात की थी पिछले बार कि किस तरह से क्लोज इंडेड फंड्स होते हैं, और उसमें एक फंड के बारे में मैंने कहा था आपसे कि एक ऐसा इकलौता फंड है जो क्लोज इंडेड भी है और ओपन इंडेड भी है, और वो कौन सा फंड है? तो उस फंड का नाम है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम अपने आप में इकलौता क्यों है कि इसमें कोई भी इन्वेस्टर जब चाहे तब इंटर ले सकता है, मगर एग्जिट रिस्ट्रिक्टेड है। एग्जिट कितना रिस्ट्रिक्टेड है? तो 3 साल कम से कम आपको इसमें बिताने होंगे। तो इसलिए इंट्री आसान है सबके लिए, एग्जिट मुश्किल है। ये इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के अंतर्गत आता है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये 80C के अंतर्गत इसमें आप टैक्स बेनिफिट भी उठा सकते हैं, यानी कि इसमें जितना पैसा आप डालेंगे, जो 1.5 लाख का छूट मिलता है इनकम टैक्स में 80C के तहत, उसमें आपको इसका बेनिफिट मिलता है। अब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम की जब बात करें तो हम कंपेयर करेंगे इसको कि बाकी जो टैक्स सेविंग स्कीम है उससे ये बेहतर है या किस तरह से वो कॉम्पीट कर पाता है। तो इसको 3 पैरामीटर्स पे हम लोग जज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले टेन्योर, दूसरा रिटर्न, और तीसरा टैक्स ऑन मैच्योरिटी। 3 पैरामीटर पर हम लोग ELSS स्कीम को, जो बाकी पॉपुलर टैक्स सेविंग स्कीम्स हैं 80C के अंतर्गत आने वाले, जिसमें बैंक FD भी है और PPF बहुत ही कॉमन है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो इनसे हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि ELSS किस तरह से खरा उतरता है। अब ELSS की हम लोग टेन्योर की बात करें तो ये 3 साल के लिए ही होता है, यानी 3 साल में आप चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं। ऑफकोर्स 3 साल के बाद विड्रॉ करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये अलग प्रश्न है, करेक्ट? तो ये 3 साल के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज नंबर 1। वेयर एज बैंक जो टैक्स सेविंग FDs हैं उसमें आपको मिनिमम 5 साल तक रहना पड़ता है, और PPF का तो काफी लंबा टाइम है, 15 साल आपको बने रहना पड़ता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम जो है। जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ELSS, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, यानी कि यह मार्केट डिपेंडेंट होता है, यानी इसमें इन्वेस्टमेंट कहां की जाती है, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। शेयर मार्केट में जब इन्वेस्ट किया जाएगा तो कोई गारंटी रिटर्न इसमें आपको पहले से नहीं बताया जाएगा, तो यानी रिटर्न इसके वेरिएबल होंगे। हाँ, मगर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी भी दूसरे एसेट क्लास में क्लास से इससे बेहतर रिटर्न देने की क्षमता है। जो मैंने शुरू में कहा था कि 3 साल इसका नॉर्मल टेन्योर है, मगर किसी कारण से 3 साल में उस किसी आपके इन्वेस्टमेंट ने रिटर्न जनरेट नहीं किया, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ सालों तक अगर आप बने रह जाएंगे तो इसमें एक पोटेंशियल है कि बेहतर रिटर्न ये जनरेट करके दे सकता। तो वेरिएबल रिटर्न है इसमें। वेयर एज बैंक FD अगर टैक्स सेविंग वाले देखेंगे तो 5 से 6% का इंटरेस्ट जनरेट करती है, वेयर एज PPF 7.4% का रिटर्न जनरेट करती है। तो निश्चित रूप से अगर देखेंगे तो टेन्योर के हिसाब से भी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी ये स्कोर हाई करता है। अब आते हैं हम लोग टैक्स ऑन मैच्योरिटी। 2 साल पहले तक ELSS के जो रिटर्न होते थे, मैच्योरिटी अमाउंट मिलता था, वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होता था, मगर अब इसको भी लाया गया है कैपिटल गेन के तहत, यानी कि उस पर आपको 10% कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। मगर उसमें कैपिटल गेन टैक्स जब इक्विटी के अगेंस्ट में 10% आप पे करते हैं तो उसमें एक अलग से छूट है। छूट क्या है कि आपकी टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे 1 लाख तक पर ईयर आपको अगर कमाते हैं आप, तो उस पर कोई टैक्स पे करना नहीं पड़ता। यानी जो नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, नॉर्मल इन्वेस्टर बात करूं और ELSS में सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको ये संभावना ही नहीं है कि उन पर टैक्स कोई लगेगा। हाँ, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बहुत सारे शेयर्स या बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए पॉसिबिलिटी है कि उनको 10% मैच्योरिटी पे टैक्स लगेगा। अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, 12-13% का अगर रिटर्न जनरेट करने की क्षमता ये प्रोडक्ट रखता है और 10% हम उस पर टैक्स भी देते हैं, तो भी इस पर रिटर्न की गुंजाइश काफ़ी हाई है। वेयर एज बैंक FD में आपके स्लैब के हिसाब से आपको मैच्योरिटी पर टैक्स पे करना पड़ता है। 10%, 20% या 30% टैक्स दायरे में आप हैं तो आपको उतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। PPF अभी भी EEE के अंतर्गत आता है, एग्जेम्प्ट, मैच्योरिटी पे कोई टैक्स नहीं लगता। अब हम लोगों ने तीनों पैरामीटर्स पे देखा, तो अब प्रश्न उठता है करना क्या चाहिए। तो क्या ELSS को लें? तो निश्चित रूप से जिनको रिस्क टेकिंग एबिलिटी जिनकी है, जिनमें थोड़ा रिस्क लेने की क्षमता हो और चाहते हैं कि उनका पैसा ग्रो करे, उनके लिए ELSS आइडियल प्रोडक्ट है, क्योंकि आपको इसमें टैक्स की टैक्स बचत हो गई और आपके
एसेट्स की ग्रोथ की भी गुंजाइश बहुत अधिक हो सकती है। दूसरा फैक्टर यह है कि अगर आप कंपेयर करेंगे, अगर पर्टिकुलरली पीपीएफ हम लोग उनके लिए ही बोलते हैं जिनके पास जो इम्प्लॉय नहीं है, जिनका प्रोविडेंट फंड जीपीएफ ईपीएफ जैसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं होता, जो सेल्फ इंप्लॉयड है उनके लिए पीपीएफ होना चाहिए, लेकिन बाकी लोगों के लिए पीपीएफ होना कंपल्सन नहीं है। तो ऑलवेज हम लोग का मानना है कि आपका कॉम्बिनेशन में, यानी इस दोनों कॉम्बिनेशन में, अगर 1.5 लाख की छूट की मैं बात करूं तो अगर थंब रूल के हिसाब से देखें तो वेरिएबल रिटर्न में 50% जाने चाहिए आपको और 50% यहां जाने चाहिए, ताकि कॉम्बिनेशन में कि ये आपको स्टेबिलिटी देगा और ये आपको ग्रोथ देगा। इसमें आप थोड़ा रिस्क लेते हैं, इसमें आप रिस्क नहीं लेते हैं। ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, वेराज ये वेरी वेरी लॉन्ग टर्म के लिए हुआ इन्वेस्टमेंट्स, राइट। अब प्रश्न आता है कि ईएलएसएस में इन्वेस्ट कैसे करें। तो ईएलएसएस में आप दोनों तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी रूट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा देके एक्युमुलेट कर सकते हैं जो कि आइडियल है, और वन टाइम भी दे सकते हैं, आप चाहें जब चाहें तब दे सकते हैं। अधिकतर लोग अनफॉर्चुनेटली क्या करते हैं कि जब साल का खत्म होते रहता है, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने लगता है जनवरी फरवरी मार्च में आके, तब उनको लगता है कि अब टैक्स सेविंग कैसे, टैक्स की सेविंग कैसे करें, और फिर वो वन टाइम आके पैसा डालते हैं। मगर हम लोग का मानना है कि आइडियल है कि आप एसआईपी रूट से जाइए और थोड़ा थोड़ा एकुमुलेट कीजिए। साल के शुरू में ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको टैक्स सेविंग के रूप में ईएलएसएस में कितने पैसे डालने हैं, और धीरे धीरे उस एसआईपी को चलाइए। ध्यान यही रखिए कि आपका हर एक कंट्रीब्यूशन, हर एक जो रिकरिंग डिपॉजिट एसआईपी आप हर मंथ दे रहे हैं, हर इंस्टॉलमेंट मिनिमम 3 ईयर्स के लिए लॉक होगा। मगर अगर आप इसको कंटिन्यूस प्रोसेस में चलाएंगे तो आपको रिटर्न भी एक अच्छा मिलेगा, एसआईपी का जो बेनिफिट्स है वो भी आपको मिल जाएगा, और टैक्स सेविंग भी आपकी हो जाएगी। ऑफ कोर्स मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि ईएलएसएस या कोई भी इक्विटी लिंक्ड प्रोडक्ट जो होते हैं वो गारंटी रिटर्न नहीं देते हैं। तो आप वेरिएबल रिटर्न के लिए अगर प्रिपेयर हो, इंडिया जैसी इकोनॉमी जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, जहां आप चाहते हैं कि थोड़ा रिस्क लेके अपने एसेट को बढ़ाएं, उनके लिए ईएलएसएस एक आइडियल प्रोडक्ट हो सकता है। तो हमको लगता है, उम्मीद करते हैं कि ईएलएसएस के बारे में आपकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और ईएलएसएस क्लोज और ओपन एंडेड दोनों कैसे, ये भी क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको लगता है कि आपके बास्केट में इस तरह के प्रोडक्ट्स होने चाहिए, तो आप खुद डिसाइड करें या अपने जो भी आपके एडवाइज़र हैं, जिस इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल से आप जुड़े हुए हैं, उनसे बात करें और फिर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी ईएलएसएस जैसे प्रोडक्ट में स्टार्ट करें। फिर से मैं वो डिस्क्लेमर दूंगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।